एक कूल बजट कैमरा, ड्रोन, 3D होलोग्राम्स बनाने वाला फैन एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे माइंड ब्लोइंग गैजेट्स से आज आप मिलने वाले हो गैजेट जोन में। सारे गैजेट्स को परचेज करने की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद गैजेट नंबर 1 जो की होने वाली है ये कूल 3D नियॉन डेस्क क्लॉक। नॉर्मली हमारे घरों में सुइयों वाली वॉल क्लॉक एंड डेस्क क्लॉक होती है, राइट? डिजिटल होती भी है तो उनमें ऐसा कुछ खास फीचर नहीं रहता कि उसे मतलब जो देखे तो देखता ही रह जाए। ऐसी आई कैचिंग क्लॉक तो ये नियॉन क्लॉक है। इस क्लॉक में ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड करके एक वुड से बने बेस में लगे रहते हैं एंड इन्हीं ग्लास ट्यूब्स के अंदर टाइम शो होता है। ये नंबर्स नियॉन स्टाइल में ग्लो करते हैं एंड RGB कलर्स में आते हैं, तो डेफिनेटली ये डेस्क क्लॉक बहुत आई कैचिंग तो हो ही जाती है। इसे ऑन करने के लिए बस आपको इसकी केबल को सॉकेट में प्लग इन कर देना होगा एंड दैट्स इट। टाइम को चेंज वगैरह करना हो तो उसके लिए नीचे कुछ एक बटन्स वगैरह भी दी गई हैं इसमें। इसे आप अपनी गेमिंग डेस्क या स्टडी टेबल पर रख सकते हो। आपके पर्सनल स्पेस को तो ये क्लॉक चमका देगी बिल्कुल। सोचो आपका कल एग्जाम हो, आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो पूरे फोकस के साथ और घर वाले या दोस्त बार बार आपके रूम में आकर आपको डिस्टर्ब कर दे, कितना गुस्सा आता है ना। तो इस सरदर्द से मैं आपको बचा लूंगा। वेल एक्चुअली मैं नहीं, ये गैजेट बचाएगा। दिस वन इज कॉल्ड बिजी टैग। बस इसे अपने लैपटॉप या PC जिस पर भी काम कर रहे हो आप उस पर ऐसे लगा लो एंड इसमें बिजी डिस्प्ले होने लगेगा जिसे देखकर लोग आपको डिस्टर्ब करने से पहले ही समझ जाएंगे कि बंदा अभी बिजी है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और फिर वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बिजी टैग आपके लिए रिमाइंडर्स लगा सकता है ताकि आप कुछ भी भूलो ना। टाइमर सेट कर सकते हो इसमें आप, मतलब आप जो चाहो वो डिस्प्ले करा सकते हो इसमें एंड बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ बोल सकते हो लोगों से। एक तरह से देखा जाए तो ये गैजेट आपका अपना खुद का एक एक्सटेंशन बन जाएगा। आपने जिम में या फिर मूवीज में मतलब कई जगह देखा होगा हीरो ऐसे बैटल रोप से वर्कआउट करता है, करके मस्त बॉडी शॉडी बना लेता है और ये जो बड़ी बड़ी और हैवी रोप्स होती हैं उनसे काफी सारे लोग सच में वर्कआउट करना पसंद तो करते हैं। लेकिन अगर आप जिम नहीं जाना चाहते और घर में इतनी बड़ी रोप्स तो यूज कर नहीं पाओगे ऑब्वियसली, तो एक सॉल्यूशन है इसका, जी रोप। एक ऐसी रोप जो काम बैटल रोप्स का ही करती है, बट सरप्राइज पता क्या है, इसमें रोप्स होती ही नहीं। यानी ये एक तरह की रोपलेस बैटल रोप है। जी रोप से आप 13 से भी ज्यादा डिफरेंट वर्कआउट्स कर सकते हो। डिजाइन इनका बेहद कॉम्पैक्ट है, एज यू कैन सी इनसे आप कहीं पर भी वर्कआउट शुरू कर दो, इवन अपने रूम में भी। ये तो यार आपके बैकपैक में भी इजीली आ जाएंगी। ना इंस्टॉलेशन करना इनका, ना इन्हें रखने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, मतलब एकदम कन्वीनियंट है ये। लेकिन फिर भी ये बैटल रोप्स का एक जो वेव जैसा मूवमेंट होता है ना उसे परफेक्टली रेप्लीकेट कर देती है क्योंकि आगे साइड इनमें हाईली इलास्टिक स्प्रिंग्स लगी होती है एंड खुद में भी ये बेहद ड्यूरेबल रहती है। तो जिम क्यों जाना और क्यों 10 अलग अलग तरह के वर्कआउट इक्विपमेंट्स पर पैसे खर्च करना यार, जब इस एक ही जी रोप से आपका काम हो जाएगा। किसी मार्वल फैन को जानते हो क्या आप, जो खासकर मतलब स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन हो? अच्छा, आप खुद ही फैन हो स्पाइडी के। ओके, देन अपने आप को ही फिर ये वॉच गिफ्ट कर लो बिकॉज ये वॉच बेस्ड है फुल ऑन स्पाइडरमैन थीम पर। पूरी की पूरी वॉच सिल्वर कलर में आती है शाइनी टेक्सचर के साथ। नीचे साइड इसका डायल फुली ट्रांसपेरेंट रखा गया दोस्तों, जिसमें मार्वल का लोगो बना रहता है। प्लस वॉच के जो इंटरनल गियर्स होते हैं ना वो विजिबल रहते हैं, दिखाई देते हैं। वॉच के डायल की बात करें तो इसे प्योर सर्कुलर की जगह ऑक्टागोनल डिजाइन में रखा गया है, विच इज गुड। ओवरऑल ये वॉच फॉर्मल एंड स्पेशली कैजुअल आउटफिट के साथ बहुत जमेगी। एंड मार्वल में आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है उसका नाम नीचे कमेंट करो, देखते हैं किस सुपर हीरो के सबसे ज्यादा फैंस हैं। एक कॉइन जैसा फिजट गैजेट जिसे जब स्पिन करोगे आप तो कुछ ऐसी आवाज आएगी, बिल्कुल विंड चाइम्स जैसी, एकदम रिलैक्स कर देने वाली आवाज। लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये फिजेट टॉय तो बनाया इस तरह से गया है कि इसे यूज करने पर आपको एकदम रिलैक्स एंड काम फीलिंग आए। जब काम करते करते आप थक जाओ तो 5 मिनट का ब्रेक लो, इसे डेस्क पर रखकर स्पिन करो एंड ये स्मूथली स्पिन करते हुए वही विंड चाइम्स वाली आवाज निकालेगा जिसे सुनकर आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, सारी टेंशन 1 सेकंड में गायब हो जाएगी और तुरंत ही आप रिफ्रेश्ड फील करने लगोगे। डेस्क पर स्पिन करने के अलावा इसे आप हैंड में लेकर भी रोटेट एंड स्पिन कर सकते हो, मतलब फिजेटिंग का सिर्फ एक ही नहीं ढेरों ऑप्शंस हैं इसमें। और साइज का एक 10 रुपए के कॉइन जितना ही होता है, तो इजीली आपकी पॉकेट में भी आ जाएगा ये। तो जब जहां भी जरा सा भी स्ट्रेस या टेंशन लगे 5 मिनट इसे यूज करके खुद को रिलैक्स कर लोगे आप।
खुद झाड़ू से सफाई में मेहनत नहीं करनी पड़े इसके लिए बनाया गया हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। चलो सही है, बट उसे भी हाथ से पकड़कर खुद ही क्लीनिंग करनी पड़ती है राइट। वो मेहनत भी ना करनी पड़े इसके लिए आया रोबोट वैक्यूम, बट वो भी यार जीने यानी स्टेयर्स पर चढ़कर तो सफाई नहीं कर सकता ना। ऐसे में गाइस फाइनली ऐसा रोबोट वैक्यूम आ गया जो फ्लोर तो साफ करेगा ही करेगा, इवन आपके घर में जो स्टेयर्स हैं उनके ऊपर क्लाइम करके उन्हें भी साफ कर देगा। इसकी सच इन पावर इतनी स्ट्रांग है कि वेस्ट कैसा भी हो ये उसे क्लीन कर ही देता है। प्लेन फ्लोर के अलावा मैट वगैरह को भी साफ कर देगा ये। एंड गेस व्हाट, क्लीनिंग करते टाइम इससे आवाज बिल्कुल ही धीमी आती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। तो आप जो काम कर रहे हो करते रहो, इससे जरा सा भी डिस्टर्ब तो होगे ही नहीं। आप चाहे बैटमैन की साइड हो या फिर जोकर की साइड, ये बैटमोबाइल कोई जोक नहीं है, ये है डार्क नाइट की तरह सीरियस एंड बैडएस लुकिंग बैटमोबाइल जो बिल्डिंग ब्लॉक से बनाई गई है। इसके टायर्स एंड बाकी की बॉडी के ब्लॉक्स आपको अनअसेंबल्ड मिलेंगे, तो इसे लेने के बाद आपको इसे खुद से असेंबल करना पड़ेगा, जिसमें कुछ घंटे तो लगेंगे, बट जिस मोमेंट पर ना ये बनके तैयार होगी लिटरली आप इससे अमेज्ड हो जाओगे। फिर इसे आप अपनी गेमिंग डेस्क पर या रूम की किसी नॉर्मल टेबल वगैरह पर जहां चाहे रख सकते हो। इसका डिजाइन जो है बिल्कुल मूवी वाली बैटमोबाइल की तरह रखा गया है, सो आप इसके डोर्स को ओपन करके इसके अंदर लेगो बैटमैन भी बिठा सकते हो, और चाहो तो जोकर को भी बिठा दो यार, बैटमैन बुरा थोड़ी ना मानेगा। तो आपका फेवरेट बैटमैन डार्क नाइट है या फिर बेन अफ्लेक या फिर रॉबर्ट पैटिनसन, मुझे कमेंट करके बताओ गाइस। देखो जैसे बॉडी शॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स आते हैं ना, वैसे अगर बुद्धि बढ़ाने के लिए कोई लिक्विड आता तो कितना अच्छा होता नहीं। अब इंटेलिजेंस तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन फोकस को इंक्रीज करके अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को जरूर बढ़ा सकते हो आप बाय यूजिंग स्टीमैक्स सीरीज 2 क्वाइट एडिशन। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो एंड चाहते हो कि पूरा आपका फोकस स्टडी पर रहे एंड आप अपना फुल पोटेंशियल स्टडी में यूटिलाइज कर पाओ, तो सिंपली इस मैग्नेटिक टूल को हाथ में लेकर ऐसे 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 उसे यूज करने लग जाओ, दैट्स इट। अब आप सोचोगे यार ये तो ऐसा कुछ खास कर नहीं रहा है, तो इससे फोकस कैसे बढ़ेगा? तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली गाइज ये गैजेट ना आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देगा, जिससे आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। प्लस एक और बड़ा एडवांटेज बताऊं इसका, ये जो पढ़ाई और काम करते वक्त बार बार फोन को चेक करने की गंदी आदत होती है ना, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, ये भी दूर हो जाएगी स्कूल फिजेट गैजेट से। वहीं अगला प्रोडक्ट उनके लिए है जो अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्यूटर के सामने स्पेंड करते हैं। अब देखने में ये आपको एक नॉर्मल फुटरेस्ट लग सकता है, बट इट्स नॉट। एक्चुअली इसमें तीन चीजें हैं, फुटरेस्ट भी है, पैरों की मसाज के लिए रोलर भी है, और तो और मेमोरी फोम कुशन भी है नेक्स्ट लेवल कम्फर्ट के लिए। इन मसाज रोलर्स में जब आप अपने फीट को ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो ये फीट के रिफ्लेक्सेस को स्टिमुलेट कर देंगे, जिससे फीट में मौजूद स्ट्रेन और टेंशन रिलीज हो जाएंगे। एंड जब मसाज हो जाए तो ऐसे इसे फ्लिप कर लो एंड हाई क्वालिटी मेमोरी फोम कुशन में फीट को रखकर वापस से अपना काम करने लग जाओ, क्योंकि सच पूछो तो आपकी गेमिंग चेयर और डेस्क चाहे कितनी भी अच्छी एंड कितनी भी महंगी क्यों ना हो, जब तक टेबल के नीचे पैरों को कंफर्ट के साथ रखने के लिए प्रॉपर फुटरेस्ट नहीं होता, तब तक कंफर्ट के साथ काम करने में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो उसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले गैजेट की तरफ। ओ ये तो आ भी गया, बहुत जल्दी है इसे, वैसे जल्दी हो भी क्यों ना, खुद ये एक फैन ही है तो फास्ट फॉरवर्ड तो होगा ही। बट छत से लटकाने वाला ये किसी मूवी स्टार का फैन नहीं है, ये एक 3D होलोग्राम फैन है। अभी भी नहीं समझे, ये देखो ये जो हेडफोन्स का होलोग्राम हवा में डिस्प्ले हो रहा है ये 3D है पहले तो, एंड ये इसी फैन से बना है। जब ये फैन चलता है तो इसकी आर्म्स पहले से इस तरह से प्रोग्राम्ड की जाती हैं कि ये चलते हुए एक स्पेसिफिक पैटर्न में ग्लो करे, एंड ग्लो करते करते ही एक जो एंड रिजल्ट तैयार होता है फैन के स्पिन करने पर, वो होता है कुछ ऐसा 3D होलोग्राम जो कि किसी भी चीज का हो सकता है। ऐसे फैंस बिजनेस पर्पस या फिर पर्सनल यूजर्स के लिए काफी ज्यादा होते हैं दोस्तों। देखो हमारे फोन में दुनिया भर के सारे फीचर्स होते हैं राइट, लेकिन फोन की डिस्प्ले बहुत छोटी सी होती है और गाड़ी चलाते टाइम आप फोन तो यूज करोगे नहीं। अब बड़ी डिस्प्ले कार में होती तो है, लेकिन उसमें फीचर्स बहुत ही गिने चुने बहुत कम होते हैं, तो किया क्या जाए? एक आइडिया है, ऑटो प्रो एक्स नाम का ये गैजेट आपकी कार की नेविगेशन स्क्रीन को एक लैपटॉप में बदल देगा, जिससे उसमें एक स्मार्टफोन वाले सारे फीचर्स आ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी कार की उसी बिग नेविगेशन स्क्रीन पर इंटरनेट चलाओ, गेम्स खेलो या लिटरली और कुछ भी करो, मतलब एक तरह से स्क्रीन आपकी फुली अपग्रेड हो जाएगी सिर्फ इसे एक छोटे से डिवाइस से। और तो और बिक्सबी का यूज करके आप डायरेक्ट वॉइस कमांड्स देकर यानी सीधे बोलकर भी इस डिस्प्ले के फीचर्स को एक्टिवेट कर पाओगे, ताकि गाड़ी चलाते टाइम आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। बेसिकली एक लाइन में कहूं तो ये गैजेट आपकी कार की नेविगेशन स्क्रीन को एक लैपी में बदल देगा, फिर उसके साथ आप कीबोर्ड गेम पैड ये सब कनेक्ट कर पाओगे, प्ले स्टोर खोलो कोई भी ऐप चलाओ कोई टेंशन नहीं, एकदम सीमलेस एंड स्मूथ एक्सपीरियंस। तो भाई कार ओनर्स के लिए दिस वन इज अ मस्ट हैव।
एंड पिछले वीडियो में यार काफी लोग मेरे ऊपर चढ़ गए थे कि कैमरा ड्रोन लाओ। तो भाई आज का आखिरी गैजेट एक कूल कॉम्पैक्ट कैमरा ड्रोन ही है। एंड एक नहीं, इसमें एक्चुअल में दो कैमराज होते हैं। ये है KS66 RC ड्रोन, ब्रशलेस मोटर और ऑप्टिकल फ्लो लोकलाइजेशन के चलते ये एयर में बहुत ही एक्यूरेटली फ्लाई करता है, इसीलिए इसे बड़ों से लेकर छोटे बच्चे सब उड़ा सकते हैं आसानी से। बॉटम साइड इसमें 4 LEDs लगी रहती हैं, 2 red and 2 blues। एंड जैसा कि मैंने बोला, इसमें एक नहीं दो कैमरा है, एक तो फ्रंट साइड एंड दूसरा है इसके बॉटम साइड में। दोनों के दोनों हाई डेफिनेशन कैमराज हैं जिनकी लाइव फुटेज आप अपने स्मार्टफोन में रियल टाइम में देख सकते हो। जेस्चर फोटोग्राफी वगैरह ये सब तो मतलब आजकल काफी कॉमन फीचर्स हो चुके हैं ड्रोन्स के लिए, वो इसमें भी है। इसमें लगी LEDs के चलते आप इसे दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी इजिली फ्लाई कर सकते हो। एंड ड्रोन उड़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, एंड साथ ही चैनल को नहीं सब किया है तो इसे अभी सब करके नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से डाल लेना, क्योंकि आने वाले गैजेट इनसे भी कूल होने वाले हैं। सो मेरे दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।